ओम शांति। मैं प्राकृतिक चिकित्सक बीके लवकेश आज से थायराइड की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे 2-3 वीडियोस में थायराइड के सिम्टम्स, कॉजेज, योगिक ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सारे ही आपको बताऊंगा। देखिए, आप पूरी तरह से थायराइड से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थायराइड होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कॉजेज क्या हैं। कोई भी रोग जब आता है शरीर में तो सिम्टम्स कुछ महीने पहले, साल पहले उसके दिखने लग जाते हैं। तो उन सिम्टम्स को अगर आप जान ले, पहचान ले, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही आप ठीक कर सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। तो थायराइड महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि जो 15 से 20 साल की एज होती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के दौरान हार्मोन्स का जो अनबैलेंस होता है, जो फिजिकल मेंटल चेंजेज होते हैं, उनकी वजह से थायराइड में इनबैलेंस होता है, जिससे ये रोग महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है। तो देखिए, थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र में एक तितली के आकार के रूप में है और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स का इससे सिक्रेशन होता है। थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। तो जब ये ग्रंथि हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में करने लगती है तो हाइपर होता है, और जब इसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। तो इनके सिम्टम्स देख लेते हैं पहले, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब ये हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड का पूरा ही मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, वेट लूज होने लगता है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको महसूस होगा कि सर्दी के दौरान भी कईयों को अगर गर्मी की पसीना आता है, एक्स्ट्रा पसीना आता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कईयों को स्किन में ईचिंग होती है, या फिर जैसे देखें हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है उसमें, और आपका भूख कम मात्रा में लगती है, मतलब क्या है, आपको कब्ज रहने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और देखिए, इससे क्या होता है, घबराहट महसूस होती है, फटीक यानी थकान बहुत ज़्यादा, कुछ आप काम नहीं कर रहे तो थकान महसूस होती है। तो वो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो आप थायराइड का टेस्ट लॉस होने लगते हैं, याददाश्त कम होने लगती है, और शरीर में क्या होता है, कईयों को मूड स्विंग की समस्या आ जाती है, मूड कुछ ही देर में चेंज हो जाता है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है। और कईयों ने तो मेरे को ये बताया, एक पेशेंट ने तो बताया, कहती है कि गुरुजी होता है तो मुझे ऐसा मन करता कि मैं सुसाइड तक कर लूं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो या तो फिर कई ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो आप जो है इसमें आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हाई या लो बीपी हो जाता है, कईयों को ज्वाइंट्स पेन स्टिफ हो जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है, यहाँ बोलने आवाज़ बैठने लगती है, आवाज़ नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो TFT टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप कराएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका थायराइड सही है या नहीं है। इसमें T3, T4 और TSH 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिनसे आपका पूरा आपका ब्लड सैंपल से लेके ये टेस्ट होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो ये तो टेस्ट के ऊपर आती है। अब आते हैं थायराइड के कॉजेज क्या है मेन, क्योंकि बगैर कारण के जाने आप किसी भी रोग को निवारण नहीं कर सकते। तो इसके मुख्य जो कारण है वो है शरीर में जो फिजिकल चेंजेज आते हैं, या तो प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, योग प्राणायाम या अपने खान पान का सही से ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, किसी को अगर सिर में चोट लग जाती है कई बार, उसे भी थायराइड हो सकता है,
माता पिता को है, पेरेंट्स को है, तो हेरिडिटरी फैक्टर भी इसमें मैटर करता है कि उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है आजकल स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा इसका कारण है, क्योंकि तनाव के कारण क्या होता है, हमारे जो भी आप विचार करते हो वो उन विचारों का जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, सीधा उनका एक सेकंड में प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्ट्रेस यानी या तो काम का लोड है, जैसे टीचर हैं, कोई नर्सिस हैं, प्रोफेशनल है, तो आज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये थायराइड का रोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अगला इसका कोजिज है कि आपकी डेली जो रूटीन है वो ठीक नहीं है। रात को देर से सोना, सुबह देरी से जगना, एक्सरसाइज ना करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लाइफस्टाइल डिजीज भी आप कह सकते हैं इसको। अगला इसका कारण है आप अगर अपने खाने ज़्यादा बना लिया है कि आप तली भुनी हुई मैदा है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पकोड़ा, समोसा, ये ज़्यादा खाने लग गए हैं, इसके बजाय सलाद, सब्जियां, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स, इन चीज़ों का कम सेवन करते हैं, जिसकी वजह से भी एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अगला कारण है आयोडीन की कमी या विटामिन डी की कमी के कारण भी थायराइड का रोग देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये एक साइकोसोमेटिक रोग है, यानी मनोजनित है। जैसे ही आपने देखा गया है महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, अपने इमोशन को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, और जैसे ही दबाती हैं डर में रहती हैं, भय में रहता है कोई, तो उससे क्या होता है, सीधा आपके गले पर असर पड़ता है, थायराइड ग्लैंड पे असर जाएगा। देखिए अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो क्या होता है, वो डर में होता है कोई बच्चा, तो उसके गले से कईयों की आवाज़ नहीं निकलती, या कोई स्पीच दे रहा पहली बारी तो उसको क्या है, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती, पैर कांपने लगते, तो सीधा आपके गले पर असर जाता है। तो इसलिए कभी भी मेरी माताओं से रिक्वेस्ट है अपने इमोशन को दबाए नहीं, और क्या करें, रोज मेडिटेशन करें, और अपने दिल की है वो भगवान से रोज करें, तो आपको कभी भी जीवन में थायराइड नहीं होगा। राजयोग का अभ्यास करिए, आप सीखिए उसको, बहुत ही सरल है, बहुत ही बढ़िया है, एक बार सीख जाएंगे तो जीवन आपका सुख जाएगा। तो थायराइड इसमें आपने कभी भी अपने भावनाओं को व्यक्त करना है, उनको एक साइकोसोमेटिक रोग है, तो इसलिए आपने मेडिटेशन जरूर करना है इसके लिए। तो ये तो थे मुख्य इसके कारण। तो अब देखिए इस पे जो है, आपने इन तरह के रोग जो हैं वो उनको ठीक करने के लिए आपने रोज योग अभ्यास करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि थायराइड की क्या क्या आप योग चिकित्सा कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे योग अभ्यास हैं, प्राणायाम हैं जो स्पेशली थायराइड के लिए बहुत लाभकारी हैं, तो उन योग अभ्यास को आप करें। और मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर या बीके लवकेश यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, बट उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि 5,000 से की लिमिट है, इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाता, तो मैंने फेसबुक पेज बनाया है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। ओम शांति, थैंक यू।